इंदौर के बंगाली चौराहे स्थित राम मंदिर गली और कॉलोनियों के रहवासी को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अप्रैल माह की शुरुआत से ही रहवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पीने का पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा है और ना ही निगम के टैंकरों द्वारा जल वितरण किया जा रहा है। ऐसे हालत से खफा रहवासी सैकड़ों की संख्या में पहले तो पार्षद प्रणव मंडल के कार्यालय पहुँचे, उसके बाद उनके घर के सामने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताने लगे। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। पानी नहीं मिल रहा है, नाथ मंदिर वाली पहली गली सुरेंद्रनगर। कब से समस्या आ रही पानी की लेकर? और अभी चार पाँच साल समस्या है। तो अभी यहाँ पर आवेदन तो कोई भी नहीं सुनता। कीड़े वाला पानी आ रहा है, एक साल से काम चल रहा है, वो सही नहीं वाला पानी। नाली भी कब्जे हो गए, पानी गंदा भरा हुआ है। पार्षद क्या बोल रहे हो? पार्षद में कराएंगे, कोई पाँच साल आज तक नहीं करवा पाए। आज क्या हुआ? आई नहीं, ऊपर सिंह नहीं आया, बुलाया सब लोग इकट्ठे।